हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यास नारायण मिश्र। मैं क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.3 ट्रेंगल क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा हुआ है, इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों को हमें प्रूफ करना है। इसमें से जो गिवन है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गिवन है इसमें कि ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल FEG सिमिलर है, ये दिया हुआ है। ये दो ट्रेंगल हैं ABC और एक ट्रेंगल है FEG, जिसमें से गिवन है कि CD और GH एंगल ACB और एंगल EGF का बाइसेक्टर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एंगल C है, इसका CD बाइसेक्टर है, और ये एंगल G है, इसका GH बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इसमें से CD एंड GH आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। फ्रेंड्स, आगे के जो क्वेश्चन होंगे जो हम आगे सॉल्व करेंगे, उसमें से इस डायग्राम का बहुत यूज होगा। इस डायग्राम को आप लोग नोट कर लें, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को आप समझेंगे तो आपको बड़ा इजी पड़ेगा। इसमें से जो फर्स्ट था CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, ये हमें प्रूफ करना है। तो डायग्राम में जब देखेंगे तो CD और GH से जो ट्रेंगल बनता है और AC और FG से जो ट्रेंगल बनता है, तो CD और GH से जो ट्रेंगल बनता है उसको हम लिखते हैं, CD और AC से ट्रेंगल बनेगा उसको लिखेंगे ट्रेंगल ACD, और GH और FG से जो ट्रेंगल बनेगा उसको हम लिखेंगे ट्रेंगल FGH। यहाँ ट्रेंगल का साइन भूल गए थे, ट्रेंगल FGH। क्योंकि इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगता है कि अगर दो ट्रेंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे हमें कोरिस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है, इसका मतलब कि हमें ACD और ट्रेंगल FGH को सिमिलर प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन 1 और इसका जो थर्ड पार्ट है बिल्कुल 100% सेम टू सेम है। हमने थर्ड पार्ट अलग से प्रूफ किया है, लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन 1 इसी की तरह है, पार्ट 1 की तरह ही है, आप देखेंगे। तो इसमें से हम जानते हैं कि ABC और FGH ये सिमिलर है, ये गिवन है, और जब कोई दो ट्रेंगल सिमिलर होता है तो उसके कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल F हो जाएगा और एंगल C इक्वल टू एंगल G हो जाएगा। चूँकि एंगल ट्रेंगल ACD और FGH में से एंगल A और एंगल F आता है, इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 कर दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल F कर दिया। अब ACD में जो दूसरा एंगल हमें प्रूफ करना है, तो वो दूसरा एंगल कहाँ से आएगा? तो चूंकि एंगल C इक्वल टू एंगल G होता है, क्योंकि ABC और FEG दोनों सिमिलर हैं, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, तो 1/2 एंगल C इक्वल टू 1/2 एंगल G कर देंगे। हमने अभी अभी बताया कि जो एंगल है वो बाइसेक्टर है, जो CD और GH है वो एंगल ACB और EGF का बाइसेक्टर है, डायग्राम में देख सकते हैं आप। तो इसलिए ये हो गया एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखेंगे कि ये इसमें दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो इस तरह से एंगल ACD सिमिलर ट्रेंगल FGH है। ये है फ्रॉम AA सिमिलरिटी रूल से। तो जो पार्ट थर्ड है वो यहीं तक है, पार्ट थर्ड आप देख सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें ट्रेंगल ACD की जगह उसमें लिखा है ट्रेंगल DCA, और इसमें FGH की जगह लिखा है ट्रेंगल HGF। तो जो पार्ट थर्ड है A to Z है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बिल्कुल सेम टू सेम है, आप देखेंगे। पार्ट थर्ड हमने अलग से प्रूव किया है, क्योंकि पार्ट वन में हमें कोरिस्पोंडिंग साइड को प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है। तो चूँकि दो सिमिलर
जो दो ट्रेंगल सिमिलर प्रूफ किए जा चुके हैं, इसलिए बाई सी पी सी टी कोरिस्पॉन्डिंग पॉट्स ऑफ सिमिलर ट्रेंगल के थ्रू सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट है ट्रेंगल डी सी बी और ट्रेंगल एच जी ई, इसको भी सेम टू सेम डायग्राम से देखेंगे। इस डायग्राम से देखेंगे तो चूँकि डी सी बी डी सी बी में एंगल बी और एच जी ई में एंगल ई दोनों इक्वल है, और बिल्कुल पार्ट वन की तरह यहाँ भी एंगल ए सी इक्वल टू एंगल जी ले लेंगे, फिर एंगल हाफ एंगल सी इक्वल टू ले लेंगे हाफ एंगल जी। अब चूंकि ये पूरा एंगल जब इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये पहले से ही इक्वल है, जब दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये भी दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इसी चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, और हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ एंगल जी हो गया। तो जैसे पार्ट वन में लिखा उसका आधा पार्ट हाफ पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, बी सी डी इक्वल टू एंगल ई जी एच, और इस तरह से ट्रेंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल एच जी ई, ये भी ए ए सिमिलरिटी रूल से हो जाएगा। हमने फ्रेंड्स जो अभी बताया कि जो पार्ट थर्ड है वो बिल्कुल पार्ट वन की जगह है, वन की तरह ही है, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है, जो नंबर है वो आगे पीछे लिखा है, जैसे डी सी ए और एच जी एफ है। तो आप देखेंगे सेम टू सेम पैटर्न है, हम जो ट्रेंगल को प्रूफ करना होता है सिमिलर वहीं से स्टार्ट होते हैं। तो लिख रहे हैं इन ट्रेंगल डी सी ए एंड इन ट्रेंगल एच जी एफ, चूँकि ये दोनों सिमिलर हैं, ये गिवन है अपने को, इसलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी हो जाएगा, फिर दोनों का हाफ भी इक्वल हो जाएगा। और जैसा कि पार्ट वन में देखा कि उनका हाफ इक्वल हो गया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है, इन दोनों से देखते हैं कि ए ए सिमिलरिटी रूल से ट्रेंगल डी सी ए सिमिलर हो रहा है ट्रेंगल एच जी एफ में। तो फ्रेंड्स हमारे कंटिन्यू वीडियो आते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।